दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र दिलीप कुमार जी को बहुत पसंद करते थे और उनको अपना बड़ा भाई भी मानते थे। और दिलीप साहब की तरह ही धर्मेंद्र भी एक्टर बनना चाहते थे, मगर धर्मेंद्र के घर वाले इस बात के लिए राजी नहीं थे। फिर एक दिन धर्मेंद्र ने अपनी माँ से जिद की और चले आए मुंबई नगरी। लेकिन यहाँ आकर कुछ बात बनी नहीं, धर्मेंद्र को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा और वो निराश होकर वापस अपने घर जा रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं जा ही रहा हूँ तो क्यों ना एक बार दिलीप कुमार से ही मिल लूं। और यही सोचकर धर्मेंद्र जी चल पड़े दिलीप कुमार जी के घर की तरफ। जब गेट पर पहुंचे तो धर्मेंद्र सीधा अंदर की तरफ चले गए और उनको गेट पर किसी ने रोका भी नहीं, क्योंकि धर्मेंद्र की पर्सनैलिटी किसी हीरो से कम नहीं थी। उनकी कद काठी एकदम किसी हीरो की तरह ही दिखती थी, तो लोगों ने सोचा कि दिलीप कुमार का कोई मिलने वाला होगा। और धर्मेंद्र धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिलीप कुमार जी के बेडरूम के पास पहुंच गए और जब दरवाजा खोला तब दिलीप कुमार गहरी नींद में सो रहे थे। दरवाजे के खुलने की आवाज से दिलीप कुमार की नींद खुल गई और वो जोर से चिल्ला पड़े कि कौन है वहाँ। धर्मेंद्र ने जैसे ही दिलीप साहब की आवाज सुनी तो वो वहाँ से सीधा चले गए और दौड़ते हुए दिलीप कुमार के गेट के बाहर निकल गए और सीधा अपने घर की तरफ चल दिए। धर्मेंद्र वापस जा चुके थे। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद एक दिन धर्मेंद्र को इनविटेशन आया कि फिल्म फेयर के कॉन्टेस्ट में उनको हिस्सा लेना है और धर्मेंद्र दोबारा से सीधा पहुंच गए मुंबई। और वहां पहुंचकर धर्मेंद्र को पता लगा कि वहां पर जितने भी कंटेस्टेंट हैं सबका मेकअप दिलीप कुमार की बहन फरीदा कर रही है। और तभी धर्मेंद्र फरीदा के पास गए और उनसे दिलीप कुमार के मिलने की बात कही और अपनी ख्वाहिश जताई और बहुत रिक्वेस्ट भी की। फरीदा को धर्मेंद्र की बात पसंद आई और उन्होंने अगले दिन दिलीप कुमार से धर्मेंद्र के मिलने की बात कही। दिलीप कुमार की और धर्मेंद्र की मुलाकात पक्की हो गई और अगले ही दिन धर्मेंद्र और दिलीप कुमार की मुलाकात हुई। तब धर्मेंद्र बहुत खुश थे, वो अपने चहेते स्टार को सामने देख रहे थे और दोनों लोगों ने काफी बातें भी की। धर्मेंद्र की बातों से दिलीप कुमार बहुत इम्प्रेस हो गए थे और उन्होंने वहीं पर अपनी विदेशी जैकेट भी धर्मेंद्र को गिफ्ट की थी। लेकिन धर्मेंद्र के लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी कि उनके चहेते स्टार उनके साथ थे, जिसके साथ उन्होंने बहुत सारी बातें की। जैकेट से कहीं ज्यादा कीमती था वो वक्त जो धर्मेंद्र ने दिलीप कुमार के साथ बिताया। इस किस्से का जिक्र धर्मेंद्र जी अपने एक इंटरव्यू में भी कर चुके हैं। तो अगर बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू वेरी मच।